नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे डिफ्यूज़न वेल्डिंग के बारे में। यह एक वेल्डिंग प्रोसेस है जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग या जॉइनिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है। डिफ्यूज़न वेल्डिंग को डिफ्यूज़न बॉन्डिंग के नाम से भी जाना जाता है और एक एक्सपेंसिव वेल्डिंग प्रोसेस होती है। तो बात करते हैं इस वेल्डिंग को कैसे किया जाता है। डिफ्यूज़न वेल्डिंग को करने के लिए हम दो वर्कपीस को लेते हैं और उन दोनों वर्कपीस के बीच में इंटीमेट कॉन्टैक्ट किया जाता है। उससे पहले इन दोनों सरफेस जो वर्कपीस हमने लिए हैं इनको अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है और उसके बाद इन दोनों को जो आपस में कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं तो इनके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। और जो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं वो टेम्परेचर वर्कपीस के मेल्टिंग पॉइंट से कम रहता है, तकरीबन 0.5 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है वो। और अंडर प्रेशर इन पे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि डिफ्यूज़न के कारण, डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि माइग्रेशन होती है एटम्स की हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, और जिसके कारण इनका बॉन्डेड सरफेस आपस में बन जाता है और फाइनली ग्रेन ग्रोथ होने के बाद हमें एक बढ़िया ज्वाइंट मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसमें वर्किंग होती है। अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें कि ये प्रोसेस कब से की जाती है, काफ़ी कई सेंचुरी पहले इसकी बात है कि जो डिफ्यूज़न बॉन्डिंग को किया जाता रहा है। उसमें क्या होता था कि जो गोल्ड स्मिथ हैं वो कॉपर के ऊपर गोल्ड को बॉन्ड करते थे, उसके बाद जो मटेरियल बनता था उसको फील्ड गोल्ड कहते थे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि गोल्ड फॉयल की थिन लेयर बनाई जाती है गोल्ड फॉयल को हैमरिंग कर करके, और गोल्ड फॉयल की थिन लेयर को कॉपर के ऊपर रखा जाता है और उसके ऊपर वेट रख दिया जाता है और इस पूरी असेंबली को एक फर्नेस में रखकर छोड़ देते हैं जब तक बढ़िया बॉन्डिंग ना बन जाए गोल्ड फॉयल की कॉपर के ऊपर। और उस पूरी प्रोसेस को हॉट प्रेशर वेल्डिंग का नाम दिया गया था। तो वही कंसेप्ट है जो डिफ्यूज़न वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। इसको करने के दो मेथड्स हैं। सबसे पहले मेथड अगर हम बात करें कि प्लेट्स को चैम्बर में रखते हैं, उस चैम्बर में रखने के बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के द्वारा उनको गर्म किया जाता है, उसके बाद इनर्ट गैस को चैम्बर में छोड़ा जाता है ताकि जो वर्कपीस हैं उनके ऊपर यूनिफॉर्म प्रेशर को प्रोवाइड किया जाए, जिसके बाद जो प्लेट्स हैं आपस में ज्वाइन हो जाएं। और ये बेसिकली नॉन फेरस मटेरियल के लिए ऐसा किया जाता है। जो दूसरा मेथड होता है उसमें क्या होता है कि जो प्लेट्स हैं उसको वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है। वैक्यूम चैम्बर में इसलिए रखते हैं ताकि जो हमारा बॉन्डेड सरफेस होगा वो ऑक्साइड या फिर जो दूसरे अदर कंटामिनेंट्स हैं उनसे उसको साफ रखा जाए। और उसके बाद क्या है कि फोर्स को मैकेनिकली फोर्स को अप्लाई किया जाता है डेड वेट की मदद से या फिर प्रेस की मदद से अप्लाई किया जाता है। और इस मेथड्स को मेनली फेरस मटेरियल के लिए किया जाता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि सैंडविच की तरह दोनों वर्कपीस के बीच में एक फिलर मटेरियल को भी रखा जाता है। वो यूज़ भी कर सकते हैं नहीं यूज़ कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। अब जो सॉलिड फिलर मेटल है उसको जो दोनों वर्कपीस के जो फेइंग सरफेस है उनके बीच में रखा जाता है, क्योंकि अगर हम फिलर मेटल का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर हमें चाहिए बॉन्डिंग के लिए वो कम हो जाएगा, क्योंकि फिलर मेटल के यूज़ करने से यूटेक्टिक अलॉय की फॉर्मेशन होती है और जो फिलर मेटल होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है दोनों मेटल प्लेट्स में और एक यूटेक्टिक ज्वाइंट बनाता है। और जो फिलर मेटल हम यूज़ करेंगे उसकी जो थिकनेस है वो 5 से 25 माइक्रोन्स के बीच में रहती है। तो और जो डिफ्यूज़न वेल्डिंग है इसमें जो ज्वाइंट बनता है अगर हम बात करें वो बेसिकली उसकी जो बॉन्डेड जो सरफेस बनेगा दोनों वर्कपीस के बीच में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर, क्योंकि जो प्रेशर हम यूज़ करते हैं वो तकरीबन 35 से 70 मेगा पास्कल के बीच में रहता है और हमें लार्ज एरिया पर उसको अप्लाई करना पड़ता है। टेम्परेचर पर मेंटेन करेगा, जो हम टेम्परेचर दोनों सर्फेसिस का मेंटेन करते हैं, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट पे मेंटेन डिपेंड करेगा, और जो फेइंग सर्फेस हैं दोनों वर्क पीसीज के जिसे हम ज्वाइन करना है उनकी क्लीनिंगनेस पर भी वो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। और दूसरी बात, जो बॉन्ड इंटरफेस हमें मिलता है डिफ्यूज़न वेल्डिंग में उसकी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेस मेटल की तरह ही होती हैं, अलग नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो डिफ्यूज़न वेल्डिंग है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। अगर हम एडवांटेज की बात करें, डिफ्यूज़न वेल्डिंग से हम न्यूमरस वेल्ड कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली उसको किया जा सकता है, और जो वेल्डेबिलिटी है वो मटीरियल थिकनेस के रिलेशन में इंडिपेंडेंट होती है। और ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है इससे आप सिमिलर मेटल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिसिमिलर मेटल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इवन सिरामिक्स को भी ज्वाइन किया जा सकता है। और ये जो वेल्डिंग है इससे जो हमें बेस में जो बॉन्डेड सरफेस मिलता है उसकी फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेस मेटल की तरह ही होती हैं। और हीट ट्रीटमेंट जो ऑपरेशन
हम करते हैं इस प्रोसेस में ड्यूरिंग बॉन्डिंग साइकिल वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। मतलब कि हम जैसे हमने बात की कि एक चैम्बर में इसको रखा जाता है और उस दौरान हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है दूसरे वेल्डिंग मेथड्स के मुकाबले। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर ज़्यादा होती है और हमें जो सरफेस प्रिपरेशन बनानी पड़ती है वो थोरोली इसको बनाना पड़ता है, ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है दूसरे वेल्डिंग प्रोसेसेस के मुकाबले। और जैसा हमने बात किया कि इस वेल्डिंग के द्वारा अगर मैं बात करूँ, हम डिसिमिलर मेटल्स को भी जोड़ सकते हैं। जैसे डिसिमिलर मेटल्स स्टील को टंगस्टन के साथ, स्टील को नियोबियम के साथ, स्टेनलेस स्टील को टाइटेनियम के साथ, गोल्ड को कॉपर अलॉयज के साथ, कॉपर को एल्यूमिनियम के साथ इत्यादि। अगर एप्लीकेशन की बात करें, डिफ्यूजन वेल्डिंग का प्रयोग मेनली हम जो कॉम्प्लेक्स पार्ट स्मॉल क्वांटिटी में हमें फैब्रिकेट करने हैं तब इसका यूज़ करते हैं, मेनली एरोस्पेस व्हीकल्स में जहां हमें टाइटेनियम वेल्डिंग करनी पड़ती है, न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में इसका काफ़ी सारा यूज़ होता है। तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं दोनों वर्कपीस के ऊपर वो मॉडरेटली उसको हम यूज़ करें, रेंज है वो 35 से 70 मेगापास्कल के बीच में उसको हम यूज़ करें, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता बट एक कंप्लीट इंटीमेट कॉन्टैक्ट हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है और टेम्परेचर को हमें मेल्टिंग पॉइंट से कम रखना है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया डिफ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और N Universe 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।